एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिनर में बना रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी के लिए मैं फूलगोभी, गाजर, बीन्स, आलू, मटर सारे सब्जी को मैं कट करके रखी हुई हूँ। अब मैं इसे कुकर में बॉईल करने के लिए दूँगी। मैं इसमें थोड़े नमक डाल दूँगी, नमक डाल के इसे बॉईल कर लूँगी। ये हमारा सब्जी बॉईल हो गया है, अब इसका पानी हम अलग कर देंगे। अब ये सब्जी को मैश कर लेंगे। अच्छा हो गया, ये हमारा सब्जी बॉईल हो गया है, अब इसका पानी हम अलग कर देंगे। अब ये सब्जी को कढ़ाई में ऑयल डाल दिए। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी। अब हमारा जीरा पक चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अब इसको हल्के ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी प्याज। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। जब मेरा टमाटर गल जाएगा, अब इसमें मैं सारे मैश किए हुए सब्जी को डाल दूंगी। हमारा टमाटर अब गल चुका है, अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको मैं हल्का फ्राई करूंगी। थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, ये मिक्स है, इसको मैं डालूंगी 1 टीस्पून। हॉट चिली पाउडर, सब्जी मसाला, चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, मैश किए हुए सब्जी को मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर देंगे थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें बटर डालेंगे। मैं बॉईल किए वो सब्जी जो मैं बॉईल की थी उसका पानी अलग करके रखी हुई थी, अब इसका ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये भाजी हमारा। मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल दूंगी। अब मैं इसमें बटर डाल के पाव सेकूंगी। तो ये हमारा पाव सिक चुका है, तो अब मैं इसे पाव भाजी सर्व करूँगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।